दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है न्योवल टेक। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस बोर्ड में कितने फॉर्म आ गए हैं अभी तक भरे जो जा चुके हैं, और किस बोर्ड से आप आवेदन कर सकते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी हद तक बना रहे। तो दोस्तों पूरे वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। यहाँ पर जो भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई, वो आपको सबसे पहले मिल रही है। और साथ ही साथ प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा दीजिए और घंटे के बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आप सभी के काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि सर अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और हम किस बोर्ड से आवेदन करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आप सभी के लिए स्पेशल इस वीडियो को बनाया गया है, और इसमें काफ़ी मेहनत के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि 100% जेन्युइन है। तो दोस्तों प्लीज़ बने रहें पूरे वीडियो में, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ 28 फरवरी 2018 तक में जो अभी तक में बोर्डों में फॉर्म आए हैं वो हैं इस प्रकार कि अहमदाबाद में 4 लाख से अधिक फॉर्म आ चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, और अजमेर में 1.5 लाख से अधिक, और इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख से भी अधिक फॉर्म आ चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, और बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पर 3 लाख से अधिक आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा आए हैं चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में 7 लाख से ऊपर फॉर्म आ चुके हैं, और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख से अधिक फॉर्म आ चुके हैं, मुंबई में भी 4 लाख से अधिक फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों, पटना की बात करते हैं यहाँ पर 2 लाख से अधिक फॉर्म है, रांची की बात करते हैं यहाँ पर 3 लाख से भी अधिक फॉर्म है, और सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 3 लाख से भी अधिक यहाँ पर भी फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया जिनमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं जो कि 1 लाख से ऊपर फॉर्म है, जी हाँ दोस्तों, इन सभी बोर्ड में। और मैं आपको वो 6 ऐसे बोर्ड बताता हूँ जहाँ पर अभी तक 1 लाख फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे 3 ऐसे बोर्ड बताऊँगा जिसमें आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 99% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आपने तैयारी नहीं करी है रेलवे भर्ती बोर्ड की, तो आप इन बोर्डों में जो मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे बोर्ड, उनमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से हैं, सबसे पहले तो मैं आपको 6 ऐसे बोर्ड बता देता हूँ। पहला भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चेन्नई है, गोरखपुर है, और गुवाहाटी है, जहाँ पर 6 लाख से भी, माफ़ कीजिएगा, 1 लाख भी फॉर्म अभी तक नहीं आया है। और मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए तो आप सबसे पहले भरें चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 लाख फॉर्म अभी तक नहीं हुए हैं। चेन्नई में अगर आप आवेदन करते हैं, यहाँ से आप एग्ज़ाम देते हैं, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 99% मान लीजिए हो जाएगा। और सेकंड में आपको बता देता हूँ बिलासपुर, बिलासपुर में आप जाएंगे तो यहाँ भी आपका सिलेक्शन पक्का मान लीजिए, ठीक दोस्तों। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ गोरखपुर, गोरखपुर के लिए भी अगर आप ट्राई करते हैं तो यहाँ पर 99% आपका सिलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पर अगर आप ट्राई करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, तो आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा अगर आपने तैयारी भी कम कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर अभी फॉर्म 1 लाख तक भी नहीं आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में 7 लाख से ऊपर फॉर्म आए, तो चंडीगढ़ के लिए आप प्लीज़ आवेदन ना कीजिएगा। अगर आप चंडीगढ़ में फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो काफ़ी हाई जाएगी और आपका चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चेन्नई का फॉर्म भरें, बिलासपुर का भरें, और गोरखपुर का भरें। बाकी ये जो 3 और है, यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, भोपाल, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये 6 ऐसे बोर्ड है अभी यहाँ पर फॉर्म जो है 1 लाख भी नहीं आए हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जेन्युइन दी है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन आपको 100% जेन्युइन है। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों आपके कोई भी कमेंट या सुझाव, सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करके हमें दे सकते हैं, जिसका हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।